Hey guys, what's up? It's Shreya. Welcome to my channel Play With Art. So in today's video, I will show you a basic seascape view on my canvas. तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 6x6 inch का एक कॉटन कैनवास जो मैंने अमेजोन से परचेस की थी एंड ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दे दूँगी इस कैनवास की। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आज 3 ब्रशेस को, एक फ्लैट ब्रश, एक डिटेलिंग ब्रश 000 एंड 1 पेन ब्रश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ब्रशेस को यूज़ की है, मैं उस ब्रशेस को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, कैमिल का आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर, एंड मैं यहाँ पे अल्ट्रा मेरिन ब्लू एंड पुशिंग ब्लू को मिक्स्ड करके यूज़ कर रही हूँ स्काई के लिए। एंड मैं जैसे जैसे डाउन पोर्शन पे जाऊंगी, मैं वाइट कलर को मिक्स्ड करते रहूंगी एंड वाइट कलर को मिक्स्ड करके मैं कलर को थोड़ा थोड़ा करके फेड आउट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक वाशी टेप जस्ट फॉर द डिवीजन। नीचे वाली जो पोर्शन है वो है सी साइड एंड ऊपर वाली जो पोर्शन है एंड वो है स्काई साइड। तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के लिए, दोनों सी एंड स्काई को डिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वाशी टेप को यूज़ की है मिडिल पे फॉर द डिविजन। कलर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे टेप को रिमूव कर देंगे धीरे से एंड अपने जो कैनवास है उसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। कैनवास का फर्स्ट लेयर पूरी तरह से अच्छी से ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे टाइटेनियम वाइट को यूज़ करेंगे एंड स्काई पे क्लाउड्स को थोड़ी थोड़ी करके डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। सो यू कैन गाइस यूज़ हियर थोड़ा सा एश ग्रे और एनी काइंड ऑफ स्काई और ब्लू कलर फॉर द शेडिंग पर्पस, पर मैं यहाँ पे ओनली टाइटेनियम वाइट कलर को यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर क्रिएटिंग दिस क्लाउड्स। मैं यहाँ पे क्लाउड का जो टेक्निक है उसको थोड़ा भी स्किप नहीं की है गाइस, सो यू कैन स्लो इट डाउन एंड आप अच्छे तरह से देख सकते हो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लाउड को ड्रॉ की है। आई होप गाइज दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने यहाँ पे क्लाउड्स को डिटेलिंग पे दिखाया है आपको, सो यू जस्ट कैन स्लो इट डाउन एंड मेक इट। और भी छोटे छोटे डिटेलिंग्स ऐड करके क्लाउड को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगी। आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्काई मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स क्रिएट करूँगी वाटर के ऊपर। ये स्टोन्स कुछ ऐसे दिखनी चाहिए कि ये थोड़ा सा वाटर के ऊपर है एंड कुछ वाटर के नीचे है।
मैं यहाँ पे और भी स्टोन्स अप्लाई करूँगी। स्टोन्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटेनियम वाइट की मदद से पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके वेव क्रिएट करने के लिए शेड्स अप्लाई करूँगी। हियर आई एम यूजिंग नंबर 1 पेन ब्रश। मैं यहाँ पे डिटेलिंग ब्रश की हेल्प से बहुत बारीकी से जो लीव्स है उसको ऐड करूँगी। लीव्स का जो मिडिल नोड है उसको आप बहुत ही प्रिसाइसली ड्रॉ करिए एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड लीव्स। सो यू गाइस कैन सी हियर, मैंने ग्रीन का ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करके कोकोनट जो लीव्स है उसको टोटली क्रिएट कर ली है। नाउ आई एम अप्लाइंग सम मोर शेड्स टू द स्टोन्स। यहाँ पे मैं और भी छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करते जाऊँगी जैसे ये और रियलिस्टिक दिखे और भी नेचुरल दिखे। तो मैंने और भी छोटी छोटी डिटेलिंग जहाँ जहाँ पे मुझे लगती है मैं वहाँ वहाँ पे डिटेलिंग ऐड करती जा रही हूँ। सो यस, हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस। आई होप यू लाइक दिस। मैंने तो पूरी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय की है एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये कैसा लगा। एंड डोंट forget to subscribe my channel and hit the bell icon for the further notifications and do a lots of like, share and comments. That's all for today's video guys. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, take care, stay safe. Bye bye.